हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। 2 बज गए हैं और अभी तक हम घर में बैठे हैं क्योंकि यहाँ कुछ जाने वाली जगह नहीं है, क्योंकि पुराना से शहर है, सारे घर भी पुराने पुराने हैं और कुछ है भी नहीं जाने को। नहीं है ना, एक पार्क ही है बस, तो वहाँ जाके हम क्या करेंगे। तो इसलिए फिर अभी बैठे हैं, अभी एक काम जाना है वो करने जाएंगे, तो फिर लगा लेंगे शुगल उसी वक्त थोड़ा बहुत जो लगाना होगा, नहीं तो फिर जिंदगी हमारी ऐसी गुजर जाए कि आपको पता है। आखिरी दिन आज तो फिर अब अरसलान भाई गए हैं, हमें कहते धूप में बैठते हैं तो पता नहीं खुद कहाँ चले गए, हम इधर अंदर बैठे, तो अब उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे क्या करना है। आज तो भाई ये हमारे अरसलान भाई, इनके पास हम आए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, बड़ा क्या हाल है तुम्हारा? ये अभी हमें शहर अपने दिखा रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं इधर देखने को, लेकिन बड़ा ये धोबी तुम मत देखो ना यार, इसको ये अपने पहाड़ दिखाने लेके जा रहे हैं, लेकिन चाय के वो हैं क्या बाग है बाग। और ये पहाड़ देख रहे हो? तो वह वही देखने जा रहे हैं अभी पहाड़। बड़ा अभी जो हमारा पहाड़ है ना, तुम्हें अभी ये पीछे तुमने जो पहाड़ देखे है ना, वो हमारे दादा का पहाड़ है। अच्छा, उससे पहले वो हमारे परदादा का था, अभी वो हमारे पास है। हमारे मूंगफली के खेत है, मड़ा चलगोजे के बाग हैं, मड़ा बहुत पैसा हमारे पास। तुम हमारे शहर आए, हमको बहुत खुशी हुआ। मड़ा ही हंसता क्यों है रे? पागल है ये, पागल पागल है ये पागल। और क्या कहे मड़ा, मैं क्या बोलूँ, अच्छी बात नहीं है ना भाई। तुम देखो वो वीडियो बना रहा है, तुम उसके हंसी जा रहे हो, मड़ा अच्छा नहीं लगता। पहाड़ किधर है आपके दादा का? बड़ा ये पिछले चौक पे गुजरा है अभी। तुम पहाड़ बार बार पूछते हैं क्या, तुम दिमाग से बाइक तो नहीं है? अरे किसी का बाग है बड़ा चलगोजे का बाग है। ये पहाड़ों पे बाग कहाँ से आया? बड़ा बाग पहाड़ पे नहीं है, हमने कब बोला पहाड़ पे है बाग, कब बोला हमने? अब पहाड़ पे ये भी नहीं बोला कि कहाँ है बाग आपका। बाग हमारा बड़ा अभी बहुत दूर है, बाग बाग कराची वाली साइड। यहाँ पानी नहीं लगता, कराची वाली साइड में पहाड़ है इनके और बाग भी उधर ही है। यार यहाँ पानी का मसला है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुआ अभी 4-5 साल, तो कराची में तो बाग जो है ना कराची में शिफ्ट, ये पानी का बकरी ने पीछा कराची में शिफ्ट करना पड़ा मजबूरी में। यार देखो, मैंने ना बड़े से बड़े टैलेंटेड लोग देखे हैं, मतलब के इतने बड़े भी नहीं देखे, लेकिन इन ये जो है ना, ये मल्टी टैलेंटेड बंदा यार, इसके बाद इतनी इतनी हरकतें होती हैं करने के लिए, और बाकी इस बंदे का बहुत टैलेंट है भाई, जो काम है ना मिनट में सीख लेगा। बड़ा क्या यार, अभी तो फिर वीडियो बना रहा है यार, देखो ना हम आराम कर रहा। ताश खेड़ दें यार, ताश शक ले, ताश ले आते हैं ये तैयार हूँ मैं। अच्छा, तो ये आज हमारे करेक्टर में गुस्से में खान साहब बने हुए आज तो अब हमने खाना खा लिया और अब ताश खेलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। जवारी नहीं, आराम काम करता और अंदर से इंशाल्लाह बोलता जवारी नहीं है, नहीं जुआ नहीं लगाते हम, वैसे ही खेलते हैं, ठीक है ना? ये जुआ मड़ा जुआ हराम है, देखो तो जुआ हम कौन सा लगा, हराम है ताश, हराम है, हम जो बात गलत है वो गलत है। हम कौन सा बाग बाग की शर्त लगा रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं बाग। अबे बाग की बात नहीं करो, शर्त की शर्त हराम, ताश हराम है मड़ा, जो इस्लाम में जायज नहीं। अभी तुमने नमाज पढ़ा नहीं खान साहब, तो तुम ताश खेलने के लिए तुम कह रहे हो इंशाल्लाह अभी हम ताश खेल रहे हैं, ये गलत बात है यार, समझाया करो यार इसको, गलत बात नहीं है, समझाया करो यार इसको। ये काफिर का बच्चा को कौन लेके आएगा? क्या हराम काम करता ऊपर से यार तुम हमारे घर में, यार शरीफ आदमी है यार हम। तो ये थे अरसलान भाई, इनसे मैं मिला था और इसके बाद जरा कुछ जी बातें शुरू हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो काट दी। तो मैं अब तो भावलपुर, तो आगे वीडियो बनाना मैं भूल गया था एंजॉयमेंट के चक्कर में, तो बस इतना ही।
तो ये था रसलान भाई, इज़ अ वेरी नाइस गाय दोबारा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में।